नमस्कार वन इंडिया, हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल सुंदेल। रामपुर की चमरोआ विधानसभा सीट पर कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल 13 जनवरी को कांग्रेस पार्टी ने 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में रामपुर जिले की चमरोआ विधानसभा सीट से यूसुफ अली को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन यूसुफ अली ने 14 जनवरी को ही पार्टी को तगड़ा झटका दे दिया। यूसुफ अली ने कांग्रेस का दामन छोड़ अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हो गए। दरअसल यूसुफ अली ने लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम में सपा की सदस्यता ली। उनकी पत्नी शाहिनसुरा ब्लॉक की प्रमुख हैं। उनके सपा में शामिल होने से जिले में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने कल जिले की 5 में से 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए थे। चर्चा है कि और भी कई कांग्रेसी नेता बीजेपी या सपा में शामिल हो सकते हैं। इसी तरह बीजेपी के कई नेताओं के सपा में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी हैं। बता दें, बसपा सरकार में जिस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री हुआ करते थे, यूसुफ अली विधायक थे। उनके आपसी रिश्ते बहुत मजबूत थे। बाद में दोनों के सियासी दल भले ही अलग हो गए, लेकिन दिल से जुड़े रहे। नतीजा ये हुआ कि आज लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ यूसुफ अली भी मंच पर पहुंचे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी में शामिल करने का ऐलान किया। 2012 में यूसुफ अली ने चमरोआ सीट से बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था और विधायक चुन लिए गए थे। इस सीट पर 2012 में ही पहली बार चुनाव हुआ था। 2017 के चुनाव में भी वो चमरोआ से चुनाव लड़े और मुकाबले में रहे। बाद में वो बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश महासचिव बनाया। 13 जनवरी को ही उन्हें चमरोआ से प्रत्याशी घोषित किया गया था और 14 जनवरी को सपा में शामिल हो गए। आपको बता दें, कांग्रेस ने रामपुर में जिन 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए, उनमें से एक सीट चमरोआ भी थी, जिस पर यूसुफ अली को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था, लेकिन कांग्रेस को झटका देकर यूसुफ ने लखनऊ में सपा ज्वाइन कर ली। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस ने काफ़ी लंबी प्रक्रिया के बाद उम्मीदवारों के नामों का चयन किया था, लेकिन ऐन वक्त पर उम्मीदवारों के पाला बदलने से पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस चमरोआ सीट से किसे अपना प्रत्याशी बनाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।